आज हम गाजर और हरी मिर्च का बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा अचार बनाकर तैयार करेंगे। इस अचार को आप आराम से साल भर के लिए स्टोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा किलो गाजर ली है। गाजर को हमने अच्छे से धोकर सुखा लिया है। सबसे पहले हम गाजर के आगे पीछे के डंठल हटा देंगे और गाजर को छीलकर तैयार कर लेंगे। अब हम गाजर को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। फ्रेंड्स, जो गाजर है हमारी, उसका अंदर वाला पार्ट भी एकदम लाल है, बहुत ही मीठी गाजर है, तो मैं इसके अंदर वाला पार्ट नहीं निकाल रही हूँ। मैंने सारी गाजर को काट कर तैयार कर लिया है। यहाँ हमने 100 ग्राम हरी मिर्च ली है। मिर्च को भी अच्छे से धो कर सुखा लिया है और मिर्च को भी हम गाजर की तरह ही शेप में काटेंगे ताकि अचार में गाजर और हरी मिर्च एक जैसी लगे। मिर्च को भी काट कर तैयार कर लिया है। अब हम गाजर और हरी मिर्च को, यदि आपके घर में अच्छे से धूप आती है तो 2-3 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए, या आप इसे 7-8 घंटे के लिए पंखे के नीचे भी फैला कर रख सकते हैं ताकि इनमें जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए अब हम अचार के लिए मसाले देख लेते हैं। हमने यहाँ एक छोटा चम्मच कलौंजी ली है, 1.5 चम्मच यहाँ हमने बारीक वाली राई ली है, इससे अच्छा खट्टापन आता है, और यहाँ हमने 2 चम्मच राई दाल ली है। राई दाल से अचार देखने में अच्छा लगता है। यदि आपको ये ना मिले तो आप इसकी जगह पीली सरसों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। 3 चम्मच यहाँ हमने अचार वाली सौंफ ली है। आपको ये मसाले ग्रोसरी स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। 1/2 छोटा चम्मच यहाँ हमने मेथी दाना लिया है, ये क्रश की हुई मेथी दाना है। देखिए, यदि आपको मेथी का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, इसे डालना ज़रूरी नहीं है। यहाँ हमने 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, इससे अचार में कलर बहुत अच्छा आता है, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। 1.5 चम्मच यहाँ हमने नमक लिया है, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से भी ले सकते हो, और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में राई दाल और कलौंजी को डालेंगे, क्योंकि हमें इन्हें पीसना नहीं है, हम इन्हें 1 मिनट के लिए भुनेंगे, इससे मसालों में जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है। आप इन मसालों को चाहें तो कड़ी धूप में रख देंगे, यदि 1 घंटे के लिए, तो भुनने की ज़रूरत नहीं है। ये भुनकर तैयार है, इसे एक अलग बर्तन में निकाल देंगे। अब हम सेम कढ़ाई में सौंफ, राई और मेथी दाना डालेंगे। आप इसके जगह साबुत मेथी दाना इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इन्हें भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। गैस की आंच को मीडियम टू लो रखना है इन मसालों को भूनते टाइम। और ये लीजिए, ये मसाला भून गया है। इसे पहले हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे और उसके बाद मिक्सर के जार में डाल देंगे और इन्हें हमें दरदरा सा पीस कर तैयार करना है। तो ये देखिए, हमने इन मसालों को एकदम दरदरा सा पीस कर तैयार किया है। ये देखिए, मैं पास से दिखाती हूँ, इसी तरह का पीसना है। अब हम इन सारे मसालों को पहले एक जगह कर लेते हैं। ये पीसा हुआ मसाला, राई दाल और कलौंजी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और नमक। अब हम इन मसालों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप मसालों की मात्रा अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैंने अपनी पसंद के हिसाब से इसमें मसालों की क्वांटिटी ली है। मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप टेस्ट करके देख लीजिए, नमक कम लगे तो और डाल दीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आपका मसाला बच जाए, आपको ज़्यादा लगे, तो आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आप किसी भी अचार में इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ हमने गाजर और हरी मिर्च को एक कॉटन कपड़े पर फैला कर रखा हुआ है और इन्हें रखे हुए 7-8 घंटे हो गए हैं और इनका जो पानी है वो पूरी तरह से सूख गया है। तो अब हम अचार बनाते हैं। अचार बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 1/2 कप सरसों का तेल डाला है। तो जितनी हमने गाजर हरी मिर्च ली है उसके लिए ये तेल बिल्कुल पर्याप्त है। यदि आप कम समय के लिए अचार डाल रहे हैं तो आप 1/4 कप तेल ही इस्तेमाल कीजिएगा। तेल को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर अच्छे से धुआं उठने तक गर्म करेंगे। ये देखिए, तेल में से धुआं उठने लगा है। तो अब हम गैस की आंच को बंद कर देंगे ताकि तेल
रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। ये देखिए तेल रूम टेम्परेचर पर आ गया है, इसे रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 1/4 चम्मच हींग डालेंगे और सबसे पहले ये सारे मसाले डाल देंगे। ध्यान रखिए गैस की आंच को चालू नहीं करना है, बंद आंच में ही हम ये काम करेंगे। तो पहले हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें गाजर डाल देंगे। आप देख सकते हैं गाजर का मॉइस्चर पूरी तरह से सूख गया है। हरी मिर्च भी डाल दीजिए और अब हमें इन्हें अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेना है, लेकिन गैस की आंच को चालू नहीं करना है। और ये लीजिए हमने गाजर को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, हमने इसमें जो तेल डाला है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल पर्याप्त है, क्योंकि गाजर जब सॉफ्ट होती है तो धीरे धीरे नीचे बैठती जाती है और सरसों का तेल ऊपर आ जाएगा, तो आप उससे ज़्यादा तेल मत लीजिएगा। अब हम अचार में एक बड़े नींबू का रस डाल देंगे। तो ये करीबन 1 टेबल स्पून नींबू का रस है। आप इसकी जगह विनेगर भी डाल सकते हो, और हमने इसमें जो राई दाल और बारीक वाली राई डाली है उससे भी इसमें खट्टापन आएगा। तो ये अचार हमारा बिल्कुल तैयार है और 2 दिन के बाद ये खाने के लायक हो जाएगा। आप इस अचार को 2 दिन की धूप दिखा दीजिए ताकि ये लंबे समय तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए अब हम अचार को स्टोर कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कांच की बर्नी ली है। आप चीनी मिट्टी की या प्लास्टिक की बर्नी में भी इसे स्टोर करके रख सकते हो। स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पर गैस पर एक कोयला रखा हुआ है। इसे हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो देखिए, जब अचार को लंबे समय तक रखना हो ना, तो आप बर्नी के साथ ये प्रोसेसिंग ज़रूर कीजिएगा। इसे हम एक प्लेट में रख लेते हैं। ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इस पर 2 पिंच के करीब हींग डाल देंगे, क्योंकि बर्नी में हम हींग की धुई देंगे। इस पर हम उल्टा करके ये बर्नी रख देते हैं। आप प्लास्टिक की बर्नी भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बार प्लास्टिक की बर्नी में भी इस तरह की धुई लगाई हुई है। और ये लीजिए 20-25 मिनट की हमने धुई लगा दी है हींग की, और अब हम इसमें अचार को भरेंगे। अचार बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कोई भी बर्तन, चम्मच, कढ़ाही, बर्नी कुछ भी गीला नहीं होना चाहिए। जब भी अचार ले, आपकी चम्मच गीली या आटे वाली नहीं होनी चाहिए, तब आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।